हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम बात करेंगे विजुअल सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन होता क्या है? विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन में अगर आपको कोई सैटेलाइट इमेज है वो प्रिंट फॉर्मेट में दे दी जाती है, तो सैटेलाइट इमेज को देख के और उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करना विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन कहलाता है। और विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए उस इमेज के बारे में, जैसे कि वो इमेज कहाँ की है, कौन से डेट और टाइम की है, किस सीजन की है, कौन से वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स में वो इमेज क्लिक की गई है। तो इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो इमेज इंटरप्रिटेशन के कुछ कीज हैं, जैसे कि टोन, साइज, शेप, टेक्सचर, एसोसिएशन, शेडो, साइट, पैटर्न। इनके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये सब क्या, कौन सी कीज हैं। तो इंटरप्रिटेशन से पहले सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन में सबसे एक जरूरी चीज होती है फॉल्स कलर कंपोजिट। ये क्या होती है? फॉल्स कलर एक इमेज होती है, सैटेलाइट इमेज का एक फॉर्म होता है, जिसमें जो हमारी RGB बैंड है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि एक ट्रू कलर को रिप्रेजेंट करती है। जैसा स्काई से अगर हम अपने अर्थ को देखें तो अर्थ सरफेस जैसा दिखता है, जैसे वेजिटेशन है, ग्रीन है, लैंड है, ब्राउन है, येलो है, वाटर बॉडी है, ब्लू दिख रही है, ब्लैक दिख रही है, तो उसी को हम लोग, तो उन्हीं RGB बैंड्स को हम लोग बदल देते हैं। जैसे कि RGB बैंड्स जो दिखनी चाहिए दैट डू नॉट करस्पॉन्ड टू दैट ट्रू कलर्स ऑफ रेड, इन बैंड्स को हम लोग दूसरे बैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली एक जो चेंजेस किए जाते हैं फॉल्स कलर कंपोजिट बनाने के लिए इमेज के, वो किए जाते हैं वेरी नियर इंफ्रा रेड को रेड बैंड में चेंज कर दिया जाता है, रेड बैंड को ग्रीन बैंड में और ग्रीन बैंड को ब्लू बैंड में। तो ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये कलर सिम्बोलॉजी जो है ट्रू कलर से फॉल्स कलर कंपोजिट में चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जितनी भी सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन की जाती है वो ज्यादातर फॉल्स कलर कंपोजिट में की जाती है, क्योंकि उसमें जो फीचर्स हैं वो अलग तरह से अपीयर होते हैं और आइडेंटिफाई करना और ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि ये एक प्लेस है और इसकी ट्रू कलर इमेजरी और इसकी यहाँ पे राइट साइड में इसकी फॉल्स कलर इमेजरी है। अच्छा, तो अब जो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन की कीज थी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली की थी टोन। टोन में क्या होता है, हम लोग फॉल्स कलर कंपोजिट को विजुअलाइज करते हैं और उसके कलर्स को देख के फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक फॉल्स कलर कंपोजिट इमेज में डार्क रेड कलर जो है वो डेंस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लाइट रेड वेजिटेशन या लो डेंसिटी के फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पिंकिश रेड कलर जो है एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, शैलो वाटर बॉडी है तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होगी, लाइट ब्लू कलर की होगी, डीप वाटर बॉडी है तो वो ब्लैक कलर की होगी, बिल्टअप है अगर कोई तो वो शियान कलर का होगा, और भी बहुत सारे टोन टेक्सचर के सिम्बोलॉजी फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें ये जो नीचे वाला रीजन है ये एक फॉरेस्ट रीजन है, इसमें जो डार्क रेड कलर के ये पिक्सल्स हैं ये सारे ये डेंस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक फॉल्स कलर कॉम्पोजिट इमेजरी है। ये भी एक सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें आप देख रहे होंगे रेड कलर के ही दो टेक्सचर दिख रहे हैं, दो तीन टेक्सचर दिख रहे हैं हमें, एक तो डार्क रेड दिख रहा है, उसके बगल में थोड़ा आएंगे तो लाइट रेड दिख रहा है, उसके और बगल में यहाँ छोटे छोटे पिंक कलर के पिक्सल्स दिख रहे हैं। ये जो डार्क रेड है ये हमारा डेंस फॉरेस्ट हो गया। डार्क रेड से जैसे ही हम डेंस फॉरेस्ट से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं फॉरेस्ट की डेंसिटी कम होते जाती है। जैसे कोई फॉरेस्ट का कोर रीजन है, कोर रीजन से बाहर आप अगर निकलते जा रहे हैं तो फॉरेस्ट की डेंसिटी कम होते जाती है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्टेंस होती है सैटेलाइट इमेजरी में वो भी जो है लाइट कलर का हो जाता है, डार्क रेड टू लाइट कलर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो लो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ये सारे जो पिक्सल्स हैं ये जो पिंकिश कलर के दिख रहे हैं, थोड़े रेड शेड में थोड़े पिंक शेड के ये जो पिक्सल्स हैं ये सारे एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका लाइट और डार्क होना डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर की हेल्थ क्या है, एग्रीकल्चर कौन से ग्रोइंग स्टेज पे है। यहाँ पे एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें वाटर बॉडी आपको दिख रही होगी, इसमें वाटर बॉडी के शेड जो है वो डिफरेंट है, जैसे किनारों पे है ये जो ब्लू कलर के हैं और यहाँ पे ये थोड़े डार्क कलर के हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ये जो लाइट कलर वाले हैं या तो यहाँ किसी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन हो रहा होगा या तो ये शैलो वाटर बॉडीज होंगी, जैसे ये बीच वाले हैं ये सारे शैलो वाटर बॉडी होंगे, जैसे ये ओशियन में आके मिल रहा है ये डार्कर शेड क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीप वाटर बॉडी है, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग भी जो है कलर चेंज होते हैं। बिल्टअप, बिल्टअप का कलर सैटेलाइट इमेज में FCC में जो है शियान कलर का दिखता है, जितने मैनमेड फीचर्स हैं रोड हो गए, बिल्टअप्स हो गए, ये सारे शियान कलर के रिप्रेजेंट होते हैं, ये वाले रीजन जो है
ये बिल्ट अप रीजन है। अगला की जो है वो साइज है। साइज की बात करते हैं तो साइज से हमें सैटेलाइट इमेज में किसी भी इमेज के साइज को देख के क्या पता चलता है। जैसे ये शियान कलर का ये इतना बड़ा सा रीजन दिख रहा है, इस रिवर के अलोंग ग्रो हो रहा है, तो इतना बड़ा एरिया अगर कोई बिल्ट अप एरिया तो ये एक शहर होगा। तो इसके साइज को हम देख के आराम से बता सकते हैं कि ये शहर है और इस रिवर के अलोंग ये ग्रो कर रहा है। ये इमेज है, यहाँ पे बहुत छोटा सा बिल्ट अप एरिया, किनारे सारे इसके एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। ये एरिया क्या हो गया, इसके साइज को हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये एक विलेज एरिया है। यहाँ पे एक सैटेलाइट इमेज है जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, तो इसके भी साइज को देख के हम कह सकते हैं कि ये रिजर्वायर है। बहुत छोटा सा कोई वाटर बॉडी का एरिया होता उसको देख के बोल देते कि ये कोई पॉन्ड है या ऐसे ऐसे छोटे छोटे डैम्स हैं। तो साइज को देख के भी फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है विजुअली। तीसरा जो की है इमेज इंटरप्रिटेशन के, वो है शेप। तो शेप देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट इमेज में कि कोई भी फीचर नेचुरल है या मैनमेड है। जैसे कि यहाँ पे ये रिवर है, तो रिवर की शेप को देख के बताया जा सकता है ये नेचुरल रिवर है। यहाँ इस सैटेलाइट इमेज में ढेर सारे एरोप्लेन्स दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ एयरपोर्ट होगा। इस इमेज में इस शेप को देख के, ये सर्कुलर शेप को और बीच में प्लेग्राउंड है, इसको देख के कहा जा सकता है कि ये कोई स्टेडियम है। तो शेप को देख के भी इमेज में फीचर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद जो अगली इंटरप्रिटेशन की है वो शेडो है। तो शेडो को हम लोग इमेज में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेज में अगर स्नो के केस की बात करें, स्नोफॉल वाले रीजन जितने भी अगर माउंटेन्स रीजन है जैसे हिमालय रीजन है, तो हायर एलिवेशन पे ज्यादा स्नो डिपॉजिट होगा, लोअर एलिवेशन पे थोड़ा कम स्नो डिपॉजिट होगा, तो इससे एलिवेशन का भी पता चल जाता है। शेडो जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की शेडो आ रही है, तो इस शेडो से एरियल फोटोग्राफी जब की जाती है तो शेडोज के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट इमेज में क्लाउड्स आ रहे हैं, तो क्लाउड्स की भी शेडो इमेज पे पड़ती है। ऑप्टिकल इमेजरी में अक्सर होता है, जब भी मॉनसून सीजन आ रहे होते हैं तो ऐसे इमेजरी अक्सर देखने को मिलती है जहाँ क्लाउड कवर ज्यादा होता है। माइक्रोवेव में क्लाउड कवर की दिक्कत नहीं आती है क्योंकि क्लाउड फ्री इमेजेस प्रोवाइड होती है माइक्रोवेव डेटा से। अगली इंटरप्रिटेशन की जो है पैटर्न, किसी भी चीज के पैटर्न को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। जैसे यहाँ बहुत सारी कार्स हैं जो एक सीरीज में लगी हुई है एक साथ, मतलब कि इसको देख के कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक पार्किंग लॉट है। ये है यहाँ बहुत सारे माउंटेनियस रीजन के बीच से एक ड्रेनेज होके जा रही है, तो इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ ड्रेनेज है। यहाँ पे एक प्लान्ड सेटलमेंट है, तो कोई भी सिटी प्लान्ड है अनप्लान्ड है वो भी उसके पैटर्न को देख के पता किया जा सकता है। अगली की जो है वो साइट और एसोसिएशन है। साइट और एसोसिएशन से क्या मतलब हो गया कि किसी एक फीचर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया सैटेलाइट इमेज में, उसकी हेल्प से आप उसके अगल बगल के दूसरे फीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इस ऊपर वाली इमेज में दिख रहा है यहाँ एरोप्लेन है, रनवे के पास में एरोप्लेन है, मतलब इससे आप पता लगा सकते हैं कि पास में एयरपोर्ट भी है। यहाँ एक डैम है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगल बगल के जो ये रेड पिक्सल्स वाले फीचर है ये एग्रीकल्चर रीजन होंगे, जो कि इस डैम के सोर्स से इरिगेशन इनको प्रोवाइड होता होगा। यहाँ पे जहाँ बहुत सारी रिवर्स आके ओशियन से मिल रही हैं, इसके बगल में जितने रेड पिक्सल्स हैं फॉरेस्ट के, ये मैनग्रूव्स हो सकते हैं। तो ऐसे एक फीचर की हेल्प से आप दूसरे फीचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो साइट और एसोसिएशन टाइप ऑफ की हो गया। टेक्सचर को देख के आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर टोनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जैसे इस इमेज में देखें फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट चूंकि बहुत डेंस होता है, यहाँ पे कोई भी अगर रेडिएशन आ रही है तो वो बहुत सारे ट्रीज होते हैं और सरफेस जो होता है उसका रफ होता है, तो वहां से एक बार में बहुत सारी रेज जो है स्कैटर होती है, तो यहाँ पे कोर्स टेक्सचर बनता है। टोनल वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, एक जगह पे ही आपको डार्क रेड, लाइट रेड, उससे भी लाइट रेड, ऐसा ऐसा टेक्सचर दिखने मिलता है। स्मूथ टेक्सचर में जो है ये बहुत थोड़ा टोनल वेरिएशन होगा, जैसे कि ये वाटर बॉडी है, ये स्मूथ सरफेस है एक, यहाँ पे सिंपल स्कैटरिंग हुई होगी, लाइट आई और तुरंत रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ है, टोनल वेरिएशन ज्यादा नहीं, एक ही कलर का पूरा ये तालाब है। तो टेक्सचर को देख के भी फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेज में ड्रेनेज के टाइप को, ड्रेनेज के बहुत टाइप्स होते हैं, डेंड्राइटिक, एंगुलर, पैरेलल, ट्रेलिस और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और हर एक टाइप का एक अलग फॉर्मेशन होता है। डेंड्राइटिक अलग टाइप ऑफ फॉर्म में बनती है, मियांडरिंग्स हो गई, पैरेलल रिवर्स हो गई, तो हर एक टाइप ऑफ रिवर का फॉर्मेशन जैसा होता है
उसको सैटेलाइट इमेज में हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी टाइप ऑफ ड्रेनेज है और उसके टेक्सचर कैसा है, कोर्स है, फाइन है, ये उसके टोनल वेरिएशन को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन करने की ये सारी कीज हो गई। और बहुत पहले जब इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उससे पहले भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता था इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे कि इसमें से एक है डायना स्कैन। डायना स्कैन का इस्तेमाल होता था कि ये अल्ट्रा हाई ब्राइटनेस प्रोवाइड करती थी इंडोर आउटडोर कहीं पे भी इमेज के इंटरप्रिटेशन के लिए। ये जूम ट्रांसफरोस्कोप हो गया, इसके थ्रू आप कोई भी टू इमेजेस को ओवरलैप करके अलग ऑप्टिकल पाथ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिरर स्टीरियोस्कोप हो गया, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर दो इमेजेस क्लिक हुई हैं उसमें कोई कॉमन फीचर को आइडेंटिफाई करके आप एक ऑर्थो इमेजरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्थो इमेजरी मतलब कोई इमेज अगर 90 डिग्री से क्लिक हुई है पर ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से 90 डिग्री से जो नहीं क्लिक हुई है इनको अगर अगल बगल की इमेजेस हैं इनको साथ में रख के कोई कॉमन फीचर को आइडेंटिफाई कर लें और इस स्टीरियोस्कोप के थ्रू देखें तो हमें एक ऑर्थो इमेजरी दिखती है। और भी इंस्ट्रूमेंट जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल एडिटिव कलर व्यूअर का इस्तेमाल होता था, प्रोकॉम का इस्तेमाल होता था, लाइट टेबल का इस्तेमाल होता था, डिजिटल प्लानीमीटर इसका इस्तेमाल होता था कोई भी मैप या प्लेन फ्लैट सरफेस पे एरियाज मेजर करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जब डिजिटल टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं आई थी तो इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल होता था। आई होप कि आपको विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के सारे कीज और उसके एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन की भी बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।